बहुत शार्प रिएक्शन कपिल सर, ओनली 30 सेकेंड्स, क्योंकि सर मुझे बहुत तेजी से आगे बढ़ना है अभी। कपिल सर योर टेक, कुरैशी का झूठ का एक एक सच हमने बताया, योर टेक सर। इन कुरैशी साहब को एक बात बता दीजिए कि ये जो कह रहे हैं कि हम आतंकवाद फैला रहे हैं, हमें फैलाने की जरूरत नहीं है, हमारा प्राइम मिनिस्टर तो दहाड़ के कह रहा है कि हमने तुमको बालकोट में पीटा, हमने तुम पे सर्जिकल स्ट्राइक की और हम तुम्हें और मारेंगे। Yes. तो हमको आतंकवाद की क्या जरूरत है? हमारी सेना, हमारी नौसेना, हमारी एयरफोर्स इनको मारने के लिए तैयार खड़ी हुई है, हमें आतंकवाद की जरूरत नहीं है। हमारे सैनिकों में इतना बल है कि इनका नेस्तनाबूत कर देंगे सारा का सारा। दूसरी बात एक और समझ लीजिए, आपने कहा पाकिस्तान का नुकसान है ओपेक में और उसमें, अरे पाकिस्तान तीन तरीके का है आज। एक वो पाकिस्तान है जिसकी सेना जो है वो दुकानदार बन चुकी है, वो इंडस्ट्रीज बन चुकी है, तो उसका तो फायदा है चीन के साथ रिश्वत खा करके और वो करने में, तो उसको जनता की आवाम की परवाह नहीं है। दूसरी तरफ आवाम है और तीसरी तरफ एक लिबरल सेक्शन है जो समझता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके हाथ में सत्ता नहीं है क्योंकि यार किसी को गोली मार देते हैं। अरे बेनजीर भुट्टो को बम से उड़ा दिया था, वो प्रजातंत्र के लिए लड़ने आई थी वो, तो इसलिए हमको। और चौथी लास्ट में बात कह दूं, ये जो चाइना की बार बार बात आती है कि चाइना ने ये नहीं होने दिया, ये उनमें चाइना ने पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दे दिया, अरे भाई मूर्खों के गधों के सर्टिफिकेट की आज दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। कोरोना फैलने वालों के सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। चाइना जिसको जो मर्जी सर्टिफिकेट देता रहे वो आज उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में नेगेटिव जाएगा। ओके सर, पॉइंट नोटेड, नहीं जाएगा। मैं आपको इसी के साथ सर इस पार्ट को मैं वाइंड अप करूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।